देखिए सदर में कितनी भीड़ है, कितनी रौनक है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए अंकल कितना अच्छा बजा रहे हैं। और इस शॉप से हम लोग, मैं और मेरी कजन बहन पास्ता लेंगे। यहाँ पर पास्ता भी बनता है, चापे भी बनती हैं, पिज्जा भी बनता है और भी बहुत कुछ बनता है। इस वाली शॉप पे हम गोलगप्पे खाएंगे और मजा बहुत आएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ कुलचे छोले सब बनता है। ये फ्रेंड मेरे मम्मी पापा, मेरी मासी और मेरी मासी की बेटी है, वो देखो पीछे छुप के बैठी है। और ये देखिए ये क्या खा रहे हैं, बताओ क्या खा रहे हो आप लोग? डोसा, मटर कुलचे, पास्ता, कैंडी। कैंडी कौन से बाल पापा? गुड़िया के बाल। कॉटन कैंडी। देखिए किस जगह का नाम हो गया। वाह। और हम लोग खा रहे हैं पास्ता। फ्रेंड्स, हमने एक शॉप से सामान लिया था, मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरा भाई पापा के पास मोबाइल लेके चला गया था। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को इसके अंदर क्या है। अब मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। ये मैंने मेरे पापा को सॉक्स ली थी तीन, और ये मेरी मम्मी ने रेड कलर का पर्स लिया था ये। और वैसे भी उनको ना छोटा सा ही पर्स चाहिए था क्योंकि उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ना मनी रखना था, इसलिए। ये देखिए अंदर से कितना प्यारा है ना। और आप लोगों को एक चीज बताऊं, इसकी एक प्यारी सी चीज, ये इतना प्यारा क्यूट सा है, ये देखो इतना प्यारा है ये। ये हमने जहाँ से हमने पर्स लिया था ना उसी शॉप से हमने ये चीजें ली थी ये, और ये बहुत टेस्टी लगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने वहां से क्ले भी ली थी, अब मेरा भाई इसको खोलेगा। और इसमें देखिए डिजाइन भी बने हैं, किसी में कैट का, किसी में मंकी का। चल खोल खोल। और ये जो है ये डिजाइन इसके ऊपर इसलिए नहीं है ताकि जब आप डिब्बे को खोलो तब क्ले जब बाहर निकले तो क्ले को इसके ऊपर रख दोगे तो डिजाइन बन जाएगा ना उस क्ले में, इसलिए। देखिए इसको अनबॉक्स कर दिया है। लो, उसकी जान निकल गई, खुला नहीं पर। देखिए फ्रेंड्स, एक तो इसके ऊपर डिजाइन है डॉल्फिन का और इसके नीचे डिजाइन है फिश का। हमें अभी पता चला है इसके डिजाइन नीचे भी है, रैबिट है इसके ऊपर, नीचे देखते हैं क्या है, कैरेट। वाह, इसमें मंकी है और इसमें बनाना। सिदक वाह भाई, है ना। इसमें क्या है सिदक, बता, गेस कर कर बता। कैट। हाँ, ये है कैट। और इसके पीछे क्या है सिदक? बोतल। बोतल। बोतल में क्या है? पानी। ओ, मिल्क है, कैट मिल्क पीती है। ये क्या है? यूनिकॉर्न। वाओ, इसके पीछे क्या है? आइसक्रीम। और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और अब ये मेरा भाई खोलेगा इसको। ये बताऊँ, ज़ीब्रा, ज़ीब्रा, ज़ीब्रा। और इसके पीछे क्या है? सिद्ध ट्री। आइसक्रीम।
अब इसके ऊपर कौन सी कैप थी सीधा? आई डोंट नो। चार मान चार इस ये थी है ना। अब ये जो क्ले है इसको इसके ऊपर रख दो। नहीं पहले मैं इसको ऐसे। वाओ कितनी सॉफ्ट है। हाँ बहुत सॉफ्ट है। अब तू इसको खुली छोड़ेगा तो खराब हो जाएगी है ना। अभी सॉफ्ट है ये सिर्फ अभी के लिए क्योंकि अभी ली है। मैं इसको निकालेगा तो देखते हैं कैसा डिजाइन बनता है। Here we go. Oh, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। Oh, भाई भाई रियल लग रहा है वो। Oh, भाई साहब ज़िब्रा देखो भाई बिल्कुल रियल लग रहा है ना सिद्धार्थ। बट इसकी आईज तो तुमने खराब कर मतलब फंसे ना। Oh my God, बिल्कुल रियल ये देख बिल्कुल रियल। मिल्क भी लिखा हुआ है। वाओ हाँ मिल्क भी लिखा हुआ है। ये कैट है फ्रेंड्स और अभी हम शेप्स बना रहे हैं और बाकी की सीधे की जो क्ले है ना ये रैबिट है। रैबिट का क्या है? कैरेट। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने डॉल्फिन बनाई है और ये मैंने एक फिश बनाई है और ये मेरे भाई ने बनाना बनाया है। एक यूनिकॉर्न वाली शेप बनाई है मैंने ये देखिए और एक मैंने बनाई है इसकी आइसक्रीम की। सिद्धक इस क्ले से बनाना बना मंकी का ठीक है करेक्ट इसकी शेप आ जाएगी और साथ ही में इसके अंदर जो ये लाइन हुई वो भी आ जाएंगी है ना। सो फ्रेंड्स अब हम सदर से घर पे आ गए हैं। हमने बहुत एंजॉय करा पर कई चीजें ऐसी थी जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा भाई मोबाइल ले गया था पापा के पास और जो भी हमने शॉपिंग करी थी वो मैंने आप लोगों को घर पे दिखा दी। और अगर आप